सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। एट क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31। एक वृत्त बनाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान दिया हो, जो दी हुई रेखा ए बी और दिए वृत्त ओ को बाहर से स्पर्श करें। तो हमें दो चीजें दी हुई है, तीन, इसमें तीन चीजें दी हुई है हमें। एक हमें दे रखी है ए बी रेखा, तो सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी आ गई है ए बी रेखा, देख सकते हैं। एक हमें दे रखा है अर्धव्यास ए के समान, तो हमें एक अर्धव्यास दिया हुआ है ए के समान, तो हमें एक अर्धव्यास लेना है। ये हम ले ले हैं अर्धव्यास ए के समान, और एक हमें दे रखा है बाहर वृत्त दिया हुआ। ये कह रहा है कि ए बी रेखा के बाहर वृत्त ओ दिया हुआ है, उसको भी स्पर्श करता हुआ हमने वृत्त लगाना है। तो हम सबसे पहले हमने ये तीन चीजें ले ली है। ये आपका वृत्त थोड़ा सा बाहर, और इसको मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, नजदीक आ रहा है लग रहा है मुझे ये ए बी रेखा के, तो मैं थोड़ा और इसको बाहर ले लेता हूँ। इस तरह से ये देखिए मैं एक वृत्त बाहर ले रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस वृत्त का नाम हम दे देते हैं ओ। ये तीन चीजें दी हुई है, एक ओ वृत्त बाहर दिया हुआ है, एक अर्धव्यास ए दिया हुआ है, एक आपके पास ए बी रेखा दी हुई है। तो हमने क्या करना है, जितनी आपकी ए बी रेखा है इतनी हमने प्रकार खोलनी है। ये जितना आपका अर्धव्यास दिया हुआ है, सॉरी अर्धव्यास जितना है ए रेखा के बराबर हमने प्रकार खोल दिए, और यहां से हमने चाप लगा लेनी है इस तरह से। और ए से भी हमने लगा दी चाप, और हमने ये चाप बी से भी लगानी है इस तरह से। और हमने क्या करना है, इस जो ये चापे हमने लगाई है इनको हमने ऊपर से मिला देना है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक अर्धव्यास से ए, ये हमने इतनी रेखा ले ली है, और हम यहाँ पे इसका निशान भी लगा देते हैं। मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ डिटेल में। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ये निशान लगा दिया हमने, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये लाइन भी लगा देता हूँ यहाँ से, ये तो है आपका ए, ए वृत्त का ये जो आपका अर्धव्यास दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, जितना आपका ये ओ वृत्त है इतनी प्रकार आपने खोलनी है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका अर्धव्यास है, ये का जो अर्धव्यास है वो ये आपका है, तो ये आपने इसमें यहाँ से प्लस कर देना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे भी लाइन लगा देनी इस तरह से, और ये आपका ओ वृत्त का ओ का यहाँ पे इस तरह से हमने प्लस कर दिया। अब आपके पास एक रेखा बनती है, ये ओ वृत्त का अर्धव्यास और ए अर्धव्यास के बराबर आपने अब कट्ठा आपने प्रकार खोलना है इतना, ये आप देख सकते हैं इतनी आपने प्रकार खोल दी। यहाँ आपने ओ पॉइंट पर सेंटर पर रखनी, और यहाँ आपने चाप लगा देनी इस तरह से। अब जहाँ ये कट रही है चाप, यहाँ पे आपकी ये चाप कट रही है, यहाँ आप पॉइंट का नाम दे दो इसमें एस, और आपने क्या करना है ए और ओ और एस को आपस में मिला देना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अब जहां पे ये ओ वृत्त को जो दिया हुआ आपका वृत्त था, इसको जहां परिधि पे काट रहे हैं इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे एन, और ये जो आपकी रेखा ये है सी डी, जो आपने पहले ले ली है। अब हमने क्या करना है, आपके पास जो अर्धव्यास दिया हुआ है ए, जितनी आपने पहले प्रकार खोल रखी थी ये आप देख सकते हैं, हमने एस पॉइंट पर प्रकार करना है, और एन से हमने वृत्त लगाना है। और देखिए ये वृत्त एन पॉइंट को छू रहा है, और आपका नीचे
ए बी रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न जो है वो हल हो चुका है। यह प्रश्न नंबर आपका 31 इस तरह से हमारा हल हो। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 32। एक वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त ए को बिंदु आर पर और उसके बाहर दिए बिंदु पी से गुजरता हुआ वृत्त को स्पर्श करे। तो हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त पे एक बिंदु दिया हुआ है आर और एक बिंदु बाहर दिया हुआ है पी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ हम वही लेते हैं, अभी तक भी आप देख रहे हैं। तो जो प्रश्न में दिया होता है वो हम पहले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वृत्त ए, तो हम सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं ए, ये हमने ले लिया है और इस वृत्त का नाम हम दे देते हैं ए। ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि पे एक बिंदु दिया हुआ है आर, ये हमने ले लिया आर बिंदु। अब ये कह रहा है कि बाहर एक बिंदु दिया हुआ है पी, तो ये भी हमने ले लिया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए आर को मिला देते हैं और अब हमने क्या करना है, आर और पी को भी आपस में मिला देना है यहां से इस तरह से। अब हमने क्या करना है, आर और पी जो रेखा है इसका हमने समद्विभाजन कर देना है, इस रेखा का। तो हम यहां पे समद्विभाजन कर देते हैं। समद्विभाजन तो आपको आता ही होगा, आधे से ज्यादा प्रकार खोलते हैं और जो दो आपके पॉइंट है जैसे हमारा यहाँ आर पी है, आर और पी से दोनों पॉइंट से हम चापे लगाएंगे इस तरह से, चापे लगा देंगे और अब हमने इन चापों को आपस में मिला देना है इस तरह से। ये हमने आपस में मिला दी है। अब हमने क्या करना है, जो आपका ये ए आर है ये रेखा है, इस रेखा को हमने बाहर को बढ़ा देना है यहां से, ये रेखा है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहां से ये हमने आगे बढ़ा दिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और जहां पे ये रेखा समद्विभाजन वाली रेखा को काट रहा है ना, यहां पे ये पॉइंट आपका आ गया ओ। अब हम क्या करेंगे, आर पर ओ पर प्रकार रखेंगे। अब आप चाहे पी जितनी प्रकार खोलो चाहे आर जितनी प्रकार खोलो, यहां से आप एक सर्कल लगाएंगे हम, आप यहां सर्कल लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो आपका ये उत्तर है, ये आंसर यही पूछा गया था कि एक वृत्त दिया हुआ था ए, उसके बाहर बिंदु दिया हुआ था परिधि पे आर और एक दिया था पी। तो आपने एक ऐसा वृत्त लगाना था जो पी को भी स्पर्श करे और आर को भी स्पर्श करे। तो ये हमारा उत्तर जो इसका आ चुका है, ये प्रश्न नंबर आपका है 32, ये आपका बन के तैयार।